नमस्कार किसान मित्रों, आज आपको दिखाता हूँ खजूर की अलग अलग वेराइटियों के बारे में। खजूर की काफ़ी सारी वेराइटियाँ होती है, जिसमें मुख्य वेराइटियाँ हैं मेड़जूल, अजबा, बरई, खुन्नीजी, खल्लास। इस प्रकार से खजूर में बहुत सारी किस्में हैं। आज आपको जो उन्नत किस्में हैं उन किस्मों के बारे में आपको जानकारी इस वीडियो में देता हूं। आप चैनल पर बने रहिए। देखो ये वैरायटी है खुन्नीजी। खुन्नीजी का मतलब है खून की तरह बिल्कुल लाल इसका दाना है। आप देख रहे हैं, ये देखो अंगूर के गुच्छे की तरह है, लाल रंग के खजूर के फल हैं। ये खुन्नीजी वैरायटी है, आप देख रहे हैं गुच्छे में फल लगे हुए हैं। अंगूर की बेल की तरह ऐसे लगा पौधा लग रहा है, जैसे अंगूर की बेल हो और उस पर काले अंगूर लगे हुए हों, इस तरीके से खजूर लगे हुए हैं। और ये खुन्नीजी वैरायटी है। इसके पिंड बनाने के लिए और कच्चे फल खाने के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है ये। ये अजबा वैरायटी है, खजूर की सबसे मीठी वैरायटी है और सबसे महंगी बिकने वाली वैरायटी है। इसकी डायरेक्ट पिंड खजूर बनती है और ये बहुत गर्म है, न्यूट्रिएंट इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें काफ़ी अधिक है। आप देख रहे हैं जो पके हुए फल हैं, बिल्कुल शहद की तरह, बिल्कुल पास में लाइए आप दिखाओ, ये शहद की तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये मैं यहाँ से तोड़ा हूँ, ये देखो ये फल बिल्कुल पके हुए हैं और इनकी बिल्कुल पिंड तैयार हो गई है। आप देखो किस तरीके से फल पके हुए हैं, बिल्कुल खाने में मीठे हैं। ये खजूर की सबसे टॉप मोस्ट वैरायटी है, इसका नाम अजबा है। इसके पौधे भी हमारे पास में अवेलेबल है, आपको चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ये बरई वैरायटी है। बरई वैरायटी के एक गुच्छे का वज़न लगभग 15 किलोग्राम, अप्रोक्स 15 किलो वेट है एक गुच्छे का। एक पौधे पर आप देख रहे हैं लगभग 20 गुच्छे लगे हुए हैं, 18-20, किसी पर 15 है, किसी पर 22 है, इस तरीके से गुच्छे लगे हुए हैं। और फल अभी पका नहीं है, फल पकने में 1 महीने का टाइम बाकी है। और आप फल की साइज देख रहे हैं, ये पूरा टिश्यू कल्चर प्लांट है और 3 साल का ये बगीचा हुआ है। ये देखो ये लगभग पके हुए फल हैं। साइज इसमें थोड़ी छोटी रहती है लेकिन मिठास इतना शानदार है, कच्चा फल खाने के लिए ये सबसे बेहतरीन फल है। बहुत मीठा है, टेस्ट में बहुत मीठा है। ये देखो एक गुच्छा है, इसमें किस तरीके से अंगूर के फलों की तरह फल लगे हुए हैं, गुच्छों में काफ़ी मात्रा में फल लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं फल भी इसके पकने लग गए हैं। बरई वैरायटी के फल अभी बरसात से पहले लगभग पकने की तैयारी में रहते हैं और बहुत अच्छे फल हैं। आप पूरे बगीचे को आप देखिए, खलास वैरायटी का ऑफ सूट लगाया हुआ है और 1 साल हुई है। 1 साल के अंदर इसके ऊपर कितना प्रोडक्शन आया है। ऑफ सूट का मतलब है खजूर के अंदर जो प्रोपोगेशन होता है, प्रसारण होता है, वो खजूर का एक तरीके से आपकी भाषा में समझो कि आप खजूर का बच्चा है ये, और खजूर के बच्चे को हम ऑफ सूट कहते हैं। और वो ऑफ सूट से ये पौधा तैयार किया है। ये ऑफ सूट से तैयार करने के बाद में 1 साल में आप प्रोडक्शन सामने देख रहे हैं और अगले साल इस पर कम से कम 30 से 40 किलो प्रोडक्शन पक्का आ जाएगा। खलास वैरायटी है, फल की साइज़ देखो आप, जो एक ये लूरका है इसका लगभग 10-12 किलो वजन है। और फल की साइज़ देखो आप, इतने बड़े आकार का फल है। अभी तो और इसकी साइज इम्प्रूव होनी है। इसका पिंड खजूर भी बनेगा, छुहारा भी बनेगा और कच्चा फल भी खाने में स्वादिष्ट है।
कलाश वैरायटी है जिसका कच्चा फल भी खाने के काम में आता है और इसके फल से पिंड खजूर और खरंग मतलब छुआरा बनाने के लिए भी काम में आता है। बहुत अच्छा है ये, साइज भी बड़ा है, अभी तो और इम्प्रूव होगा साइज। पौधा अभी 3 साल का ही हुआ है इसलिए इतना थोड़ा प्रोडक्शन कम है। ये प्रोडक्शन लगभग 1.5 क्विंटल के आसपास पहुंच जाएगा इस पेड़ का।